Hi friends, welcome back to Rakhi's Creativity Zone. Today I come with a new DIY. So here what I need some material. We need two type of clothes. You can choose according to your choice. So foam sheet चाहिए और दो cardboard pieces चाहिए, एक cardboard box चाहिए and fevicol and scissors चाहिए. तो हम अपना DIY शुरू करते हैं. तो let's get start. सो गाइस, हमारे पास जो बॉक्स है उसको हमने ऊपर का जो ये भाग है ये हमें हटा देना है. तो हम इसको कटिंग कर देंगे. देख सकते हैं कि मैंने इसके एजेस को निकाल दिया है. अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हमने चूज किया था क्लोथ उसे फेविकोल की हेल्प से पूरी साइड जो है इनकी सब कॉर्नर सब तरफ हम इसको पेस्ट कर देंगे. तो चलिए हम इसको पेस्ट करते हैं. देख सकते हैं नीचे का पोर्शन मैंने अभी छोड़ दिया है. बॉटम में मैंने ये जो मैंने टू पीस किए थे वो मैंने एक पीस यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. अब हम क्या करेंगे कि इसमें फेविकोल लगा के और इसी कपड़े से पूरा फेविकोल की हेल्प से पूरा ही पेस्ट कर देंगे. गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसके इनसाइड में क्लोथ जो है वो पेस्ट कर दिया फेविकोल की हेल्प से. और ये देखिए ऐसा दिख रहा है अभी. तो गाइस ये मेरे पास ये इसके ऊपर कवर लगा हुआ था पहले से तो मैंने उसी को इसमें पेस्ट कर दिया है. और अब हम इस सीट पर इसके ऊपर पेस्ट करेंगे फेविकोल की हेल्प से और उसके बाद हम इस पर ये फैब्रिक लगा देंगे और इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे पीछे से लेते हैं. तो हमें क्या करना है, हमने इसको पेस्ट कर दिया है, बस मुझे ये पेस्ट करना है. तो उससे पहले हमको ये मैंने चार पीसेस काटे हैं तो इसको भी हमें यहाँ पे लगाना है इस तरह से ऐसे. तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे गाइस, हमने जो ये ली थी इसको फेविकोल से लगाने के बाद हम इसको जूट रोप से इसको रोल कर देंगे दोनों स्टिक को. तो गाइस देखिए मैंने ये रोप से स्टिक कर दिया है इसको फेविकोल की मदद से. हमें इसके ऊपर ये शीट लगा देंगे. करेंगे इस तरह से इस पर रखेंगे और इसको रोल करते रहेंगे इस तरह से इसको रोल करेंगे पूरा. तो गाइस देखिए मैंने ये जूट की
छोटा सा पीस लेंगे।